कंगना रनौत की धाकड़ 100 करोड़ के बजट में बनी थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 4 करोड़ रुपए कमाए और 96 करोड़ का इस फिल्म को लॉस हुआ था। अब तक कंगना रनौत ने इस फिल्म को लेकर कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अब कंगना रनौत ने फाइनली मान लिया है कि ये फिल्म उनकी सुपर डुपर फ्लॉप हो गई थी। कंगना की इस फिल्म को फ्लॉप होने के पीछे बहुत बड़ी वजह है, काफी वजह है। कंगना रनौत के इस फिल्म के फ्लॉप होने की कई वजह है। जो कंगना रनौत को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग भी इस फिल्म को देखने के लिए नहीं गए, क्योंकि कंगना रनौत ने लॉकअप शो में मुनव्वर फारूकी को जिस तरह से सपोर्ट किया, फिर उसके बाद वो सलमान खान की ईद पार्टी में गई, ये सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और सोशल मीडिया पर इसकी नेगेटिव पब्लिसिटी होने लगी थी। लोग यही बोल रहे हैं कि जब तक कंगना रनौत को वायरल होना था तब तक इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का समर्थन किया, और जैसे ही मीडिया में एकदम अचानक से वायरल हो गई इन्होंने बॉलीवुड वालों का हाथ फिर से पकड़ लिया। कंगना रनौत दरअसल हिमाचल प्रदेश के पंचायत आज तक कार्यक्रम में शामिल हुई थी और क्या कहा है वो सुनिए। कंगना ने कहा है कि बॉलीवुड ने बड़े लंबे समय तक भारतीयों को उनकी पहचान को लेकर गिल्ट महसूस करवाया है, उन्हें खराब तरीके से दिखाया है। यही वजह है कि अब लोग साउथ का सिनेमा खूब पसंद कर रहे हैं क्योंकि वहां उनकी भारतीयता गर्व से दिखाई जाती है। कंगना रनौत ये भी कह रही कि जो भी फिल्में इस समय चल रही है इस समय वो बहुत ज्यादा भारतीयता वाली फिल्में हैं। आप कांतारा भी देखिए, इनमें भारत का एक ऐसा पहलू दिखाया जाता है जो माइक्रो लेवल पर भक्ति या अध्यात्म से जुड़ा है। PS1 भी वैसी ही रही चोल साम्राज्य के बारे में। कंगना का ये कहना है कि हमारा बॉलीवुड जो है वो संस्कृति से बहुत ज्यादा दूर है, वो वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपना रहा है और लोगों को वेस्टर्न कल्चर देखना अब पसंद नहीं है, वो भारतीयता से जुड़ी फिल्में ही देखना पसंद कर रहे हैं। भारतीयता से दूर जाकर जो भी फिल्में बनाएगा इस वक्त वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, और यही चीज मेरी धाकड़ फिल्म के साथ भी हुई। मुझे रियलाइज हो गया है कि मैंने कहां पर गलती की और मैं लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है, इस बात को मैंने बहुत ही ज्यादा अंतर मन से महसूस भी कर लिया है। तो देखिए, इस वक्त वाकई में जो जमीन से जुड़ी हुई फिल्में बना रहा है, जो अध्यात्म या देवी देवताओं के ऊपर सही तरीके से फिल्म बना रहा है, उसी को जनता पसंद कर रही है और उसी को अपने सर आंखों पर बैठा भी रही है।